दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। एंड मैं अनुराग भटनागर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों OTR या UPSC में OTR निकाला गया है। OTR दोस्तों क्या होता है उसको समझाने के लिए मुझे SSC का सहारा लेना पड़ेगा। SSC का सहारा दोस्तों इसलिए लेना पड़ेगा, मैं OTR की पहले आप लोगों को फुल फॉर्म बता देता हूँ कि OTR की फुल फॉर्म दोस्तों होती है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन दोस्तों किस प्रकार से होता है, UPSC ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्यों निकाला, क्या जरूरत पड़ी थी UPSC को वन टाइम रजिस्ट्रेशन निकालने की। एंड अभी आप लोग देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन भी आ रखी है एंड अखबार में भी इसकी डिटेल्स आज की तारीख में दी गई थी, जबकि इसका स्टार्ट थी एप्लीकेशन वो 18 तारीख से स्टार्ट हो गए थे। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता क्या है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में दोस्तों ये होता है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने SSC की जितनी भी वैकेंसी निकलती हैं, अगर आप लोगों ने SSC की वैकेंसी में अप्लाई किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि SSC में एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपका, ठीक है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है एंड उसका पासवर्ड मिल जाता है। तो अगर आपको किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना होता है तो आप लोग इसको रजिस्ट्रेशन ID को एंड पासवर्ड के थ्रू अपनी ID को लॉगिन करते हैं एंड वहाँ जाकर आप लोग अपनी जो डिटेल्स होती हैं, ऑलरेडी आपने जो डिटेल्स फिल कर रखी हैं उसमें, उन्हीं डिटेल्स के बेसिस पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो सेम प्रोसेस दोस्तों इसमें UPSC में है। UPSC में क्या बोला इन लोगों ने, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि UPSC की कोई भी अगर वैकेंसी निकलती है, कोई भी अगर UPSC द्वारा वैकेंसी निकलती है, कोई भी अगर UPSC कोई नोटिफिकेशन जारी करती है, तो उसके लिए आप लोगों को बार बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, OTR के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको sarkarirezult.com की साइट पर पहुंच जाना है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। एंड सेकंड थिंग आपको वहाँ पे क्या करनी है, अपनी जो डिटेल्स हैं आप लोगों को वो फिल कर देनी है। तो उससे आप लोगों के लिए फ़ायदा क्या हो जाएगा, बार बार आप लोगों के लिए उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप अगेन एंड अगेन अपनी डिटेल्स फुल भर रहे हैं। बार बार कोई अगर वैकेंसी UPSC के थ्रू निकल रहा है, CDS हो गया, ND हो गया या कोई भी हो गया, UPSC IAS PCS वगैरह, तो उसके लिए आपको बार बार अपनी डिटेल्स उसमें भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग एक बार उसमें डिटेल्स अपनी भर सकते हैं एंड वही आपकी डिटेल्स जो हैं वो आपकी आगे उसमें जो, जैसे नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो वही डिटेल्स से आपको अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ साथ मैं ये बता दूं कि वो डिटेल्स ऐसा नहीं है कि परमानेंटली आपने फिल कर दी तो वो भर गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप SSC की तरह UPSC में भी उसको एडिट कर पाओगे, एज इट इज़ आप लोग SSC में कर पाते हो। अपनी रजिस्ट्रेशन ID के थ्रू लॉगिन करने के बाद आप लोग अपनी जो डिटेल्स हैं उसको एडिट कर सकते हो। OTP के थ्रू आपके नंबर पे जो OTP आएगी एंड मेल पे जो OTP आएगी उसके थ्रू आप लोग उसको एडिट कर सकते हो। सेम प्रोसेस UPSC में रहेगा। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ ही गए होंगे कि OTR UPSC ने क्यों निकाला है एंड OTR है क्या है, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। एंड आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियोस अपने चैनल पर डालता रहता हूं एंड कोशिश करता हूं कि आप सभी लोगों को हेल्प कर सकूं। जय हिंद जय भारत।